हम इंसान एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमारे काफी सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, जैसे कि क्या एलियंस इस वर्ल्ड में होते हैं और भी ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस जिसका कि आंसर आज तक कोई भी नहीं जानता है। नासा का एक $10 बिलियन का प्रोजेक्ट है जिससे कि आप धरती पे बैठे बैठे चांद पे बैठी हुई एक मक्खी को भी बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ जेम्स वेब टेलीस्कोप की। आने वाले कुछ साल में हम ये अच्छी तरीके से जान सकेंगे कि क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं या फिर कोई एलियन सिविलाइजेशन भी है जो हमसे कई गुना आगे है। सो हेलो गाइस, मैं हूं अनिरुद्ध एंड आप लोग देख रहे हो फैक्टोस का यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज के इस अनबिलीवेबल एपिसोड को। सो गाइस, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स वेब के नाम पर रखा गया है। ये आज तक का लॉन्च किए जाने वाला सबसे ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप है। अभी तक ये रिकॉर्ड हमल टेलीस्कोप के पास था, बट जेम्स वेब टेलीस्कोप हमल से भी करीब 100 गुना ज्यादा एफिशिएंट एंड पावरफुल है। हमल टेलीस्कोप ने लॉन्च होते ही हमारे काफी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए थे एंड हमारे इस यूनिवर्स को देखने का नजरिया भी पूरी तरीके से बदल दिया था। तो आप लोग खुद ही सोचो कि अब ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या क्या कर सकता है। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि ये पास्ट को देखने वाली टाइम मशीन है और अगर हम चाहें तो इससे बैठे बैठे हमारे पूर्वजों को भी देख सकते हैं। क्यों कंफ्यूज हो गए ना? सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। तो गाइस, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देखते हैं जब लाइट रेज सन से होके उस ऑब्जेक्ट पे जाती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है। जैसे कि हमारे जो सन की लाइट्स होती हैं उसको धरती तक आने में करीब 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। तो जब वो लाइट यहाँ पे आती है रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है तब हमें वो जो सन है वो दिखता है। यानी कि जो स्टार्स आप अभी यूनिवर्स में देखते हो उनमें से काफी सारे स्टार्स अभी तक खत्म हो चुके हैं, बट उनकी जो लाइट है अभी तक हमारे पास तक नहीं आई है। अभी हमारे पास वो पहले वाली लाइट आ रही है। सो अगर हम इस जेम्स वेब टेलीस्कोप को अर्थ से बहुत ही ज्यादा दूर भेज दें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको 500 लाइट ईयर्स दूर भेज दें, सो हम ये भी देख सकेंगे कि आज से 500 साल पहले क्या हुआ था। यहाँ तक कि हम शिवाजी महाराज को भी देख सकेंगे, क्योंकि लाइट को अभी वहां से यहाँ आने में 500 ईयर्स लग जाते हैं, इसीलिए उसको 500 लाइट ईयर्स का डिस्टेंस कहा जाता है। सो गाइस, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर्स हमल के मिरर से साइज में करीब 2.7 गुना ज्यादा बड़े हैं। इसका मिरर बेरिलियम से बना हुआ है, साथ ही इसके इस बेरिलियम के मिरर पे गोल्ड की लेयर भी लगाई गई है। ये टेलीस्कोप अर्थ से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे रहेगा, लेकिन ये जो टेलीस्कोप है बस 10 साल तक हम इंसानों का साथ दे सकेगा क्योंकि इसकी फ्यूल कैपेसिटी उतनी है। लेकिन अगर हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें आने वाले 10 साल के अंदर कि हम यहाँ से 15 लाख किलोमीटर दूर जाके यानी कि इस टेलीस्कोप के पास जाके उसको रीफ्यूल कर सकें, तो ये जो टेलीस्कोप है ये और भी ज़्यादा टाइम तक हमारा साथ देने में कामयाब हो जाएगा और ये हम तक बहुत ही सारी अनबिलीवेबल इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहेगा। इस टेलीस्कोप के इंफ्रारेड डिटेक्टर्स को अगर काम करना है तो उसका टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए। इसमें ऐसी काफ़ी सारी सनशील्ड्स लगी हैं जो कि एक टेनिस कोर्ट से भी ज़्यादा बड़ी है साइज में, जिनको कैप्टॉन से बनाया गया है जो कि टेम्परेचर को बहुत ही कम कर देता है। इसमें टोटल सनशील्ड की 5 लेयर लगाई गई हैं जिसमें हर सनशील्ड के बाद टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। अगर इसके एक साइड टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस है तो इसके एकदम पीछे वाली सनशील्ड के उस पार -233 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। मैंने कहा -233 डिग्री सेल्सियस, जो कि सच में बहुत ही कम होता है। एंड अगर इतना टेम्परेचर हमारी अर्थ पर रहता तो हम इंसान जिंदा ही नहीं होते। एंड ये जो बहुत सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड बहुत ही सारी अलग अलग गैसेस, वो गैसियस फॉर्म में होती नहीं, वो लिक्विड हो जाती है इतने कम टेम्परेचर पे। ये टेलीस्कोप जो भी देखेगा उसको हाई पावर रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए धरती तक भेज देगा। ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट है कि यहाँ से ये दूसरी गैलेक्सीज को भी बहुत ही आराम से देख सकता है।
जैसे अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके घर वाले बोलते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा वो बनेगा, वैसे ही इस टेलीस्कोप के लॉन्च होते ही नासा वाले कहने लगे मेरा टेलीस्कोप एलियन देखेगा। वैसे गाइस इस टेलीस्कोप को लॉन्च हुए 1 महीने होने वाले हैं एंड अभी तक ये पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि उसको पूरी तरीके से स्टार्ट होने में और 5 महीने लगेंगे, यानी कि इसको पूरी तरीके से खुलने में एंड स्टार्ट होने में 6 महीने का टाइम लगने वाला था, जिसमें से 1 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे गाइस आपको क्या लगता है कि ये जो टेलीस्कोप है ये आगे जाके कौन कौन सी चीजें डिस्कवर करेगा, कमेंट में जरूर लिखना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।